हेलो भाइयों, मैं फिर आ गई प्रेमा ठाकुर। आप सबको मेरी राम राम। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो हमें दे रहे हैं धोखा। अब आप कहोगे कैसा धोखा? तो जो नए नए यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यूट्यूबर्स लोग। आप देखो, जो भी ये बातें में समझाते हैं या जो भी ये बातें बताते हैं, आप उसको कितना भी ट्राई कर लो, वो बोलेंगे मोबाइल चलाओ तो ऐसा हो जाएगा, मोबाइल को खोलो तो ये सामने आएगा। लेकिन आप कितना भी कर लो, सारी बातें गलत। क्योंकि YouTube जो है ना, मैंने आपको एक अपनी वीडियो में बताया था कि ये एक समुद्र है, जितना गहराई जाओगे उतना उसमें डूबते चले जाओगे। अब एक मोबाइल है, आप खरीदते हो मोबाइल, तो उसके फंक्शंस आपको उस मोबाइल के अंदर बता दी जाते हैं कि ये इसके अंदर है। और आप अपने नए मोबाइल को, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, उस फंक्शंस को देख देख करके आप अपने आप को एक्टिव कर लेते हो कि मेरे मोबाइल में ये सब फंक्शंस हैं। ऐसे ही YouTube है। ये जो मैं YouTube का जो आज मैंने जो टॉपिक लिया है, वो सारे जो लोग अभी नए नए शुरू हुए हैं बनाने और जो चाहते हैं इस फील्ड में आना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए है कि वो जैसे उन्होंने YouTube चैनल खोल लिया, अब जानकारी कहाँ से लें, वो लग जाते हैं नए पुराने यूट्यूबर्स लोगों के बारे में वीडियो खोल खोल करके कि अब इसमें उन्होंने ये बताया, इसमें उन्होंने ये बताया, अब ये फंक्शन करने से ऐसा होगा, ये बटन दबाने से ऐसा हो जाएगा, आपकी व्यूज़ बहुत आएंगे, आप एक रात में वर्ल्ड हो जाओगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। हुआ किसी का नहीं होता ये, तो बल्कि आपको बलि का बकरा बना के अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं। आप इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। YouTube पे आना आसान है, ये तो मैंने पहले भी कहा था, पर उसमें कुछ बनना बड़ा मुश्किल है। YouTube सब खोल के बैठ जाओ, अपना चैनल बना लो, खोल लो, कुकिंग का खोल लो, डांस का खोल लो, सिंगिंग खोल लो, लाफ्टर, जो भी आपको आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो कुछ है सब खोल के बैठ। लेकिन वहां पे कामयाब आप तभी होगे जब आप कंटिन्यू अपने ही काम पर ध्यान दोगे। जो कुछ आपको आता है, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो भी कुछ है, आप उसे निखारो। आप यहां वहां की बातें सुन के आप मिसगाइड हो जाओगे, आपका 1 साल 2 साल 3 साल मुझसे लिखवा लो, लिखवा लो ये बात, मैं इसी चैनल पे हूं, हमेशा रहूंगी। आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि मेरी बातें कितनी सही हैं। जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं, गांव में, शहरों में, बच्चे, जो भी कोई इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप कितना भी अजमा लो। क्योंकि क्या हुआ, हुआ क्या था, ये यूट्यूबर्स बनने का शौक, चाहे मुझे ही क्यों ना हो, वो अब शुरू हुआ है लोगों में कुछ ज़्यादा, कि हम कुछ बैठे हैं तो बना लें, कुछ अर्निंग हो जाएगी, या कुछ सोच के, या अपना टैलेंट लोगों को दिखाएं, या कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे छाने के लिए, पर जो भी आपके मन में चल रहा हो, किसी के भी आओ, बेशक आओ, लेकिन अपने बलबूते पे। आप ये सोचोगे कि आपको ये यूट्यूबर्स लोग जो हैं वो रोज़ अपना अपना एक टॉपिक लेके बैठ जाते हैं, आओ आपको बताएं वीडियो कैसे बनाते हैं, आओ आपको बताते हैं एसईओ कैसे करते हैं, आओ आपको बताते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, आओ आपको बताएं ये बटन दबाने से व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। उनकी खुद की झाँको इतने इतने मिलेंगे जितने आपके चल रहे हैं। भाई आज से 8-10 साल पहले यूट्यूब पे इतने फंक्शंस नहीं थे। इतने फंक्शंस ना होने के कारण वो लोग जो जिन्होंने एक ग्रुप था वो काफी उभर के आ गया और वो माने हुए यूट्यूबर्स बन गए। तब लोगों में यूट्यूब का इतना क्रेज भी नहीं था। आज तो घर घर बच्चे तक जानते हैं यूट्यूब से, डांस सीख लो, खाना वाना सीख लो, सब कुछ कर लो, यूट्यूब तो घर घर में छा गया आजकल। लेकिन आज से 8-10 साल पहले भी आप लगाओ तो YouTube इतना इतना नहीं था और लोग इसमें मतलब इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे थे।
अब तो आप हर घर के अंदर एक बंदा मिल जाएगा यूट्यूबर जो चाहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। तो वो क्या करें, वो क्या करें, जब भी वो इन लोगों से मिलने जाएगा बड़े बड़े यूट्यूबर से, तो वो क्या करेंगे, वो आपको बिठाएंगे, हाँ जी आप बताइए आप कैसे वायरल हो गए, हाँ जी आप बताइए सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं, आप अपनी कथा उन्हें बताओगे, वो उनके चैनल पे आएगा तो व्यूज़ उनके बढ़ेंगे। समझ में आई आपको बात, व्यूज़ उनके बढ़ेंगे, उनका वॉच टाइम बढ़ेगा, सब कुछ उनका बढ़ेगा, आपका क्या होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा। आप समस्या लेके गए, उन्होंने सुना, लेकिन आपको तब भी समझाया नहीं होगा उन्होंने कि ऐसा, और चलो एक आध किसी ने समझा भी दिया होगा, लेकिन फिर भी आप मान लो मेरी बात कि जितने भी नए यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल पे अपना चैनल खोलना चाहते हैं, तो भाई फोन किस लिए है, YT स्टूडियो को आप ऑन करें, आपको सारे सिस्टम सारी जानकारी यूट्यूब के अंदर, आपको चैनल बनाने से लेकर के, ग्रो करने से लेकर के, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं से लेकर के, व्यूज़ कैसे आएंगे लेकर के, आपके लिए कौन सा चैनल लाभदायक है, आपको किस चैनल पे काम करना चाहिए, सब कुछ बताता है। टाइम देना पड़ता है जी, टाइम दो, आपका अगर टाइम है, देखो जिसके पास टाइम है वो ग्रो करो, मेरा तो ये कहना है, मेरा ये मानना है, आप मुझे पसंद करो मत करो, मेरे चैनल को लाइक करो मत करो, देखो उसकी बात नहीं है, मैं तो इतना जानती हूँ कि आज जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, आपके दिल दिमाग पे छा जाएंगी बातें, बिल्कुल छा जाएंगी आपको बातें, क्योंकि मैं ना किसी बात को लपेट लपेट के नहीं बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जो जो ऊँचे हो गए जो यूट्यूब बन गए उनके तो व्यूज़ आ रहे हैं, कम आए जाए उनको तो फ़ायदा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो हम जैसे नए यूट्यूबर्स हैं, साल साल से लगे पड़े बनाने में करने में, अब आके, क्योंकि कोई कहता है गलती करके मालूम पड़ता है, हमें भी गलती मालूम पड़ी, हम दिन रात लगे रहते उनको देखने में उनको करने में, अब इन्होंने ये बताया इन्होंने ये बताया ऐसा करो वैसा करो, ये कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हुआ जब जब खुद मेहनत करने लगे, जब खुद से मेहनत करने लगे और पूरा यूट्यूब के सिस्टम को, उनके आदेशों को, सर्वभाषा बता रही हूँ बिल्कुल, उनकी जो बातें हैं उनके जो टॉपिक हैं आप उन्हें समझो, फिर उन्हें ट्राई करो, देखो आप ग्रो करोगे। प्लीज़ आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोगों के पास ना जाएं, वो सिर्फ अपने व्यूज़ और अपने बात को रखने के लिए हम सब लोगों का इस्तेमाल करते हैं। देखो कितना कितना हर घर में, तो अगर गांव से भी है तो खेत है खलिहान है, जगह फ्रीडम है उनके पास, बहुत कुछ, फ्लैटों में तो फिर भी कम रहता है, बाहर है बहुत बड़ी दुनिया है, और जवान बच्चे तो कूदते फाते कहीं भी बना सकते हैं वीडियो अपनी, कुछ भी कर सकते हैं, तो देखो ग्रो कर रहे हैं वो ग्रो। क्या होता है कितनी बार कि घर में बैठ के बनाने से, एक कुकिंग कर सकते हो आप, डांस कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद लड़कियाँ सड़कों पर गार्डन में पार्कों में कर रही हैं, तो वो कर रही हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो आगे बढ़ रहे हैं। आप बस YouTube पे इतना समझ लो, ये आग का दरिया है, कूद के जाना है, तो आपको सिर्फ YouTube के अंदर से ही डुबकी लगानी है, और वहीं से निकल के आप पार पा पाओगे, अगर आपको एक अच्छा यूट्यूबर बनना है तो। मैंने जितनी बातें आपको कही हैं, अगर आप मेरी बात से राजी हो तो आप कमेंट्स करके, मत करो लाइक मत करो शेयर मत करो, कमेंट्स करके आप बताइए कि जो बातें मैंने कही हैं वो आपको कितनी सही लगी हैं, क्योंकि आप एक साल दो साल कितने साल लगा लो, इन जितने यूट्यूबर्स हैं इनकी चैनल को खोल के देख लो, आप रोज़ पढ़ते रहो उनकी बातों को, रोज़ सुनते रहो, आपको आपको वो मेन चीज़ बताएंगे ही नहीं, बताएंगे इसलिए नहीं कि आज से 8-10 साल पहले जितना ग्रो ने करना था उन्होंने कर लिया, अब इतने नया जैसे आप इतना बदलाव आ गया है, तो YouTube के अंदर भी सारा चेंज आ चुका है, सारा चेंज आ चुका है, लेकिन मेहनत कोई किसी की छीन नहीं सकता। आपके अंदर अगर टैलेंट है, आपके अंदर अगर मेहनत है, कुछ करने का दिखाने का जज्बा है, तो YouTube आपके लिए रास्ते खोल के रखता है। बिल्कुल 1, 2, 4, 5 नियम है ऐसे जो आप कर लो, अगर आपके टैलेंट है और आप उसे पूरा डूब चुके हो,
तो देखो आपको कहते ना, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। और YouTube पे तो लाखों लोग आ गए, YouTube बनाने के लाखों लोग, मतलब आप YouTube को आप ये समझो कि 10-5 लोगों का YouTube है, नहीं, मैंने कहा ना हर घर से। अब हर घर से इंडिया कितना बड़ा है, है सऊदी से लोग, पाकिस्तान से लोग, नेपाल से लोग, सब डाल रहे हैं इसके अंदर। YouTube एक छोटा मोटा नहीं है, पूरा एक अच्छा खासा भंडार है, और यहाँ पे सब आना चाहते हैं। आएंगे कैसे? अपने टैलेंट के मुताबिक। YouTube खोलो, YT स्टूडियो को ओपन करो, उसके अंदर आपको अपने YouTube बनाने के सारे फायदे नजर आ जाएंगे। सर्च करिए, सर्च से जानो, सर्च करके पहचानो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और देखो ये तो YouTube जो है ना, ये भी एक तरह का क्या कहते हैं, किस्मत का खेल है। किसी की एक रात वायरल हो जाती है, किसी को साल लग जाते हैं, किसी को तो बहुत 5-6 महीने में जाता है। तो ये भी एक तकदीर का खेल है, और आपकी टैलेंट को कितना लोग पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपकी तकदीर पे आके बैठ जाती हैं, बाकी मेहनत तो सब कोई करता है। कुछ मेहनत और अच्छे से करते हैं, जैसे क्लास में बच्चे सब पढ़ते हैं, लेकिन एक आध बच्चा अच्छा निकल जाता है ना, तो वो ये मेन यूट्यूबर्स का है। इन्होंने उसमें इतना गोता मार दिया कि ये आगे निकल गए। अब ये क्या हम लोगों को ठग रहे हैं? उनको व्यूज चाहिए, डेली उनको एक चैनल बनाना है, डेली उनको अपनी वीडियो अपलोड करनी है, तो वो टॉपिक कहाँ से लाए? हम जैसों को पकड़ के बलि का बकरा बनाते हैं। क्यों? हम जैसे लोग क्या है, हम जैसे बैठ गए YouTube खोल करके, अब सीख लें, आज ये बता रहे हैं व्यूज़ कैसे आएंगे, आज ये कैसे बता रहे हैं, ये नया सिस्टम बताया, ये बटन ऑन कर दो तो एकदम रातों रात वायरल हो जाओगे। कभी हुआ है कोई वायरल? इतने लोग YouTube देखते हैं, कोई वायरल ऐसे हुआ है कि बटन दबाया और वायरल हो गए? वो वायरल हुए हैं अपनी तकदीर से, अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से। बस आप YouTube को टाइम दीजिए, अपने चैनल को पूरा टाइम दीजिए, वक्त निकालिए, उसके साथ जो कुछ कर सकते हैं अपने अपने मोबाइल से करिए, और ऐसा करिए कि जो लोग आपको पसंद करें। बस मेरा यही मानना है और यही कहना है कि भाई नए नए यूट्यूबर से बच के, उनके चैनल से बच के, उनकी बातों को कम सुनो, और भैया सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, अपने चैनल पे ध्यान दो, और अपने काम पे ध्यान दो। यंग हो, जवान हो, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, बहू बेटियां हो, जो भी कोई हो, जो इस मैदान में आना चाहता है, अपने बलबूते पे आए, खुशी खुशी आए, पर खूब टाइम दो, अब मजे लगे काम करो। सक्सेस किसी को रोक नहीं सकती है। तो आज का वीडियो बस मैं यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि आज मैं ना किसी कहानी या किसी उस टॉपिक को लेकर नहीं, मेरे मन में चल रहा था कि नए नए यूट्यूबर्स बेचारे इतना धोखा खा रहे हैं, इतना धोखा खा रहे हैं कि उन्हें वो क्या समझ में नहीं आता, वो क्या करते, काम निपटाया, सब कुछ करा और यूट्यूब खोल के बैठ जाते हैं। अब ये टॉपिक आया, आज इसमें ये तो वो सारे उसमें ना कहते मकड़ी के जाल में फंसते जा रहे हैं। उससे में हाँ, बस उससे निकलने का बस एक ही तरीका है, आप अपने मोबाइल से ही सारे फंक्शंस को देखिए, YT स्टूडियो को खोलिए, सारे के सारे आपके जो भी कुछ तंत्र मंत्र जो भी कुछ है ना, वो आपको इसी में मिलेंगे। आप उन्हें पढ़ो, सर्च करो, YouTube को पूरा टाइम दे दो, पूरा चैनल को पूरा टाइम दे दो, देखो कैसे ग्रो करोगे आप। मेरी बात याद रखना, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपने जो बोला था वो बात बिल्कुल सही निकली। जो भी आप लोग मुझे मानते हो, किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की माँ, किसी की आंटी, जो भी कुछ आपको लगे, दीदी, जो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर सजेस्ट करिएगा कि मैंने जो बातें बोली हैं वो कितने आपको पसंद आई है। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी, सबको मेरी राम राम, ध्यान रखिएगा।